कंगना रनौत स्टारर फिल्म मणिकर्णिका बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई थी। जी हाँ दोस्तों, द क्वीन झांसी की रानी की बायोपिक फिल्म मणिकर्णिका, कंगना रनौत ने अपने अभिनय से सभी का दिल जीत लिया। डायरेक्टर क्रश के डायरेक्शन में बनी फिल्म का जबरदस्त रेस्पॉन्स पब्लिक ने भी दिया और फिल्म ने पहले दिन 8.75 करोड़ की कमाई की, जो कि कंगना की सफलता का पूरा पूरा क्रेडिट उन्हें खुद जाता है। कंगना रनौत बॉक्स ऑफिस पर एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस है जो अकेले दम पर कई बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में दे चुकी हैं और अपने अभिनय का लोहा पहले भी बनवा चुकी है। दोस्तों अब कंगना की मणिकर्णिका भी इसी कड़ी में जुड़ गई है। पहले दिन 8.75 करोड़ का कलेक्शन करने वाली मणिकर्णिका दूसरे दिन 26 जनवरी की छुट्टी का अच्छा खासा फायदा उठाएगी और आज के दिन ये फिल्म लगभग 12 करोड़ का कलेक्शन सिनेमाघरों में कर सकती। उसके बाद संडे को भी फिल्म का रेस्पॉन्स अच्छे मिलने के आसार है। कुल मिला के ये फिल्म 3 दिनों में लगभग 30 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। हालांकि फिल्म का बजट 120 करोड़ रुपए है, वहां तक पहुंचने के लिए मणिकर्णिका को लंबे समय तक बॉक्स ऑफिस पर टिकना होगा। और खैर देखना दिलचस्प होगा क्या कंगना अपना बजट निकाल पाएंगी। दोस्तों आपको मणिकर्णिका कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या आप इसे देखने का प्लान बना रहे हैं तो बताएं और सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि आने वाली अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।